अगर कोई कार्बाइन बनता है और वो आगे अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कार्बाइन जनरेट कर दिए हम, तो ये कार्बाइन डाइमराइज कर जाएगा, इट डाइमराइजेस। रिएक्शन में अगर कार्बाइन जनरेट हुआ और ये कार्बाइन अगर मान लो आगे कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है या हम कोई सबस्ट्रेट नहीं लिए जिसके ऊपर वो अटैक नहीं कर पा रहा है, तो ये हमेशा क्या करता है, डाइमराइज। डाइमराइज मतलब इसका दो मोल जो होगा वो बना लेगा आर सी एच डबल बॉन्डेड सी एच बॉन्डेड टू आर। आपको ध्यान होगा अल्काइल हैलाइड टॉपिक में हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे जिंक या सिल्वर पाउडर, वहां कार्बाइन बनता था और उसको हम लोग डाइमराइज कर देते थे। लेकिन अगर कोई कार्बाइन कार्बोनिल के बगल में जनरेट हो जाए, कार्बोनिल के बगल में अगर कोई कार्बाइन जनरेट हो गया, मान लो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था और लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप निकला, कार्बाइन जनरेट हुआ, लेकिन ये कार्बाइन कैसा जनरेट हुआ, कार्बोनिल के ठीक बगल में, कार्बोनिल के बगल में अगर कार्बाइन अगर जनरेट हो रहा है, इट ऑलवेज अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट विच इज कॉल्ड कार्बाइन रीअरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड कार्बाइन रीअरेंजमेंट। कार्बाइन रीअरेंजमेंट को हम लोग वुल्फ रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट, कार्बाइन रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। होता क्या है इस रीअरेंजमेंट में, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आया और अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन, पेयर को आपको लेकर आना है और अल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कर देना है, समझ में आ रहा है। ये ऐसा करने से क्या बन गया, आर जो है वो सी एच के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्डेड सी, क्योंकि ये पेयर बनाया डबल बॉन्ड और उसके बाद सी डबल बॉन्डेड हो, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं किटीन्स। अगर कोई कार्बाइन कार्बोनिल के बगल में जनरेट हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर जाता है, रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है किटीन। इस रीअरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कार्बाइन रीअरेंजमेंट या वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। नाउ किटीन एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि एच बॉन्डेड टू एनयू टाइप का स्पीशीज के साथ रिएक्ट करता है, एच बॉन्डेड टू एनयू, इन जनरल हम कर दिए, जैसे वाटर, वाटर को लिख सकते हैं एच बॉन्डेड टू ओएच, ओएच क्या है एनयू है, एच को अलग कर लिए। जैसे मालूम बोले अमीन RNH2, तो RNH2 का H अलग कर लो बच जाएगा NHR, H2S H अलग कर लिए बचा SH, एल्कोहल ROH का H अलग कर लो बचेगा OR, तो ये सारे ऐसे रिएजेंट हैं जो कि HNU टाइप का है। किटीन HNU टाइप के रिएजेंट के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन देखना, सबसे पहले लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद आर सी एच डबल बॉन्डेड सी ओ माइनस एनयू पे आया पॉजिटिव चार्ज बॉन्डेड टू एच, अपना लोन पेयर दिया है बॉन्डिंग में, क्लियर है ये चीज। अब सही आवाज, सही है आवाज आ रहा है पीछे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, पाई बॉन्ड का शेप, अब ये नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया, रेजोनेंस के बाद ये बन जाएगा आर सी एच माइनस सिंगल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड ओ एनयू पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू एच। अब ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहीं से H प्लस गेन कर लेता है और फाइनल आंसर आर सी एच टू सी डबल बॉन्डेड ओ एनयू, एनयू का पॉजिटिव चार्ज खत्म। हर वो स्पीशीज जिसको हम एच एनयू टाइप से लिख सकते हैं उसके साथ ये किटीन रिएक्ट करता है, इतना बड़ा मैकेनिज्म लिखने का जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखो क्या हुआ, ओवरऑल कार्बोनिल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ओवरऑल कार्बोनिल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पे ही फर्क पड़ा है। तो इस कार्बन को एच दे देना और कार्बोनिल से एनयू जोड़ देना, कार्बन को एच और कार्बोनिल के कार्बन पे एनयू जोड़ दिया जाएगा।
आर सी एच डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड ओ प्लस वाटर प्लस एच टू एस प्लस एल्कोहल प्लस प्राइमरी अमीन प्लस आर एस एच प्लस एसिड प्लस अमोनिया कंप्लीट कीजिए। सीधे शॉर्टकट से करना है, कोई मैकेनिज्म नहीं, कार्बोनिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2O इज HOH, इस कार्बन को H और यहीं पर OH, ये क्या बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड OOH। टेंस में भी याद रखना, किटिन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, किटिन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली H2S का H यहां जाएगा और SH कार्बोनिल को जोड़ेंगे, ये बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड O SH R प्राइम OH एल्कोहल के साथ, इसका H चला गया कार्बन के पास और OR प्राइम जोड़ देंगे, क्या बनेगा एस्टर, ये बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड O OR प्राइम। याद है, समझने में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है कैसे प्रोडक्ट लिख रहे? प्राइमरी अमीन एक एच को यहां दे दो और बाकी NH4 प्राइम यहां जुड़ जाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड O NHR प्राइम सेकेंडरी अमाइड R प्राइम SH वी विल गेट RCH2 C डबल बॉन्डेड O SR प्राइम RCOOH एसिड, एसिड का H गया कार्बन के पास, ये बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्डेड O, क्या जोड़ेंगे O C डबल बॉन्डेड O R प्राइम, O C डबल बॉन्डेड O R प्राइम अनहाइड्राइड, किटिन्स ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, किटिन्स ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहल एस्टर, किटिन्स ऑन रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट अनहाइड्राइड। क्लियर है? किटिन्स ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया, एक एच यहां दे दे बाकी NH2 को जोड़ दे, वी विल गेट अमाइड आर सी एच टू सी डबल बॉन्डेड ओ NH2 अमाइड। ये सारे रिएक्शन एच बॉन्डेड टू NU टाइप के हैं, एच को कार्बन पे और NU को कार्बोनिल वाले कार्बन पे। क्लियर? क्लियर है ये सवाल? अगला दो सवाल को देखो। सवाल सॉल्व करने के पहले ध्यान रखिएगा कि जब भी C डबल बॉन्डेड N2 अगर देखो तो ये बेसिकली होता है N पॉजिटिव डबल बॉन्डेड N, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बन पे नेगेटिव N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्डेड N, अल्टीमेटली ये N2 को निकालना है, कार्बिन बनाना है। जिस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्डेड N2 देखो, सीधे नाइट्रोजन को हटाकर कार्बिन बना लेना। समझ में आ रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले में क्या मिला? ए, ए क्या मिलेगा? जैसे ही हीट किए नाइट्रोजन निकला, कार्बिन बन गया। कार्बिन कहां जनरेट हुआ है? कार्बोनिल के बगल में। इसका रिअरेंजमेंट हो जाएगा, कार्बिन रिअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? ये हटेगा तो कार्बिन बनेगा ना। ये क्यों हट रहा है, मैंने यहां पे समझा रखा है आपको।
क्लियर। अब ये पेयर इधर और फिनाइल का माइग्रेशन, तो बन जाएगा पीएच सीएच डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड ओ, पीएच सीएच डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड ओ। और ये कार्बन 14 अब कहां चला गया, कार्बन 14 यहां आ चुका है। ये समझने में किसी को दिक्कत? जब भी कार्बीन कार्बोनिल के बगल में जनरेट होगा वहां पर कार्बीन रीअरेंजमेंट होगा। क्या फिर से नाइट्रोजन हटा दिए यहां से, कार्बीन बन गया। कार्बीन अगर कार्बोनिल के बगल में बना है तो कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, कार्बीन रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। पेयर को इधर लेके आए, पीएच को शिफ्ट कर दिए, पीएच सी एच सी डबल बॉन्डेड हो। कार्बन 14 अगर ये था तो कार्बन 14 यही है। अब इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, अभी अभी तो कंप्लीट किया। एच जाएगा कार्बन के पास, पीएच सी एच टू सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच कार्बन 14। जो कार्बन 14 पहले बेंजीन रिंग के साथ सीधे जुड़ा हुआ था अब वो अलग हो चुका है। क्लियर। सेम सवाल रिंग में, रिंग में अगर है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले ये नाइट्रोजन हटा, यहां एक्सप्लेन कर रहे डबल बॉन्डेड ओ कार्बीन, कार्बीन कहां जनरेट हुआ, कार्बोनिल के बगल में, यही कार्बीन यहां पर अटैक करता है और इस ग्रुप लगा हुआ है वो माइग्रेट करता है कहां पर, इसी कार्बन के पास। ये तो डबल बॉन्डेड हो जाएगा, माइग्रेट करना मतलब क्या, यहां से निकला निकला और यहां जाकर जुड़ गया, मतलब 6 मेंबर का रिंग 5 मेंबर का रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अल्टीमेटली 5 मेंबर रिंग। इस कार्बन पे क्या बचेगा, डबल बॉन्डेड सी, उसके आगे डबल बॉन्डेड ओ, डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड ओ। क्लियर है सबको। अब इसके बाद अगर इसको CH3OH के साथ ट्रीट किए, H जाएगा इस कार्बन के पास और OCH3 को सीधे NU की तरह यहां जोड़ देना है, तो अल्टीमेटली यहां आंसर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्डेड O OCH3 फाइनल आंसर। अगला नेम रिएक्शन आरेंट आइस्टर्ट रिएक्शन, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आरेंट आइस्टर्ट। सवाल क्लियर है सबको। मेथड से बाय दिस वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वन यूनिट इज एक मिथिलीन। इस मेथड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का लेंथ एक कार्बन से बढ़ा देते हैं। रिएक्शन का रिएजेंट बहुत सारे हैं, एक साथ आपको याद रखना पड़ेगा। एक लाइन में रिएक्शन आर सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ सबसे पहले SOCl2, दूसरे स्टेप में CH2N2 एक्सेस डायजोमिथेन एक्सेस, तीसरा चौथा स्टेप हाइड्रोलिसिस, लास्ट में पानी हम लोग मिला देते हैं। अब डायजोमिथेन एक्सेस में क्यों इस्तेमाल हुआ है, लास्ट में हम लोग वाटर क्यों मिलाते हैं, ये सारा कुछ मैकेनिज्म से क्रिएट होगा। लेकिन फाइनल आंसर देखना आर सी एच टू सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड में
एक कार्बन बढ़ गया, बस यही होता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन से बढ़ाना है, जैसे मिथानोइक से इथानोइक या इथानोइक से प्रोपानोइक, आरएंट आई स्टड इज द बेस्ट मेथड। मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस, मैकेनिज्म RC OOH जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यह बन जाता है RC OCl। रिएक्शन याद रखिएगा, SOCl2 हो या PCl5 हो, सेम रिएक्शन, इट गिव्स RCOCl प्लस HCl। क्लियर? PCl5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट मिलेगा SOCl2 के बदले। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आया डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन CH2- N(NN) विद पॉजिटिव, इसी को कहते हैं डाइजोमीथेन। पिछले क्लास में हम लोग इसका रिएक्शन पढ़े, एसिड बेस फॉलोड बाई SN2 पढ़े थे कीटोन के ऊपर। सेम वे ये स्ट्रांग बेस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कर देगा SNAE। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये बन गया RCO-ClCH2N पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्डेड N, नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक मारा, Cl- लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा क्योंकि ये एक ऐसा नई प्रोसेस है, COCl एसिड डेरिवेटिव पे न्यूक्लियोफाइल, ऐसा नई प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप माइनस ऑफ Cl-, ये बन जाएगा RC OO। लेकिन ध्यान रहे, Cl- निकलते निकलते बगल से एक H+ निकाल लेता है और ये बन जाता है CH पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्डेड N+HCl। और यही काम करने में मदद करता है सिल्वर, Ag के साथ हीट करना। Ag बेसिकली गैस को एड्सॉर्ब करता है, निकलने में मदद करता है, नाइट्रोजन गैस जैसे भी निकलेगा, और कोई रोल नहीं है सिल्वर का यहां पर, इट जस्ट हेल्प्स कि गैसेस आराम से एक्सट्रैक्ट हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, उसमें से HCl निकल जाए, साथ में नाइट्रोजन गैस निकले। हीट किए, नाइट्रोजन वेरी गुड लिविंग ग्रुप, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप निकला, माइनस ऑफ नाइट्रोजन RC OOCH... कार्बिन जनरेट हो गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप निकला, कार्बिन जनरेट हुआ। समझ में आ रहा है? कार्बिन अगर कार्बोनिल के बगल में जनरेट हुआ है, कार्बिन रीअरेंजमेंट, कार्बिन रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, ये बन जाएगा RCH CO। लास्ट स्टेप वाटर, किटीन और वाटर, एच गया यहां पर, OH आएगा यहां पर, RCH2 CO। इस तरीके का फाइनल आंसर मिलता है। सिल्वर ओनली फैसिलिटेट्स द गैस टू कम आउट, वो नाइट्रोजन गैस HCl इनको एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता। बोलिए, SOCl2 कैसे हुआ? ये तो अल्काइल हैलाइड में बताया गया होगा, SOCl2 या PCl5 RCOCl देता है, सल्फोनिक एसिड RSO2 Cl देता है, एल्कोहल RCl देता है, ROH+SOCl2 RCl। खैर याद रखिए, ये SOCl2 एसिड के साथ RCOCl मैकेनिज्म होता है, लेकिन अभी हम इसमें मैकेनिज्म नहीं बता पाएंगे। अब कारण समझो, डाइजोमीथेन को एक्सेस में क्यों लिया गया था? एक्सेस में इसलिए लिया गया था ताकि जो HCl बना, उस HCl का डाइजोमीथेन के साथ रिएक्शन हो जाए और CH3Cl बन जाए। पढ़े हो पिछले क्लास में, डाइजोमीथेन का HCl CH2- H+ गेन करके CH3N2 बन जाएगा, Cl- पीछे से आके अटैक करके CH3Cl बन जाएगा।
आखिर इस HCL को हटाना क्यों जरूरी है? अगर ये HCL नहीं हटा तो इस HCL का रिएक्शन इस किटिन के साथ हो जाएगा, H चला जाएगा यहां पर, CL लग जाएगा यहां पर, एसिड के बदले COCl मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? लास्ट में वाटर डालते ही रिएक्शन खत्म। वाटर डालने का दो काम, एक तो किटिन का हाइड्रोलिसिस, और वाटर डालने का दो काम ये, दूसरा काम ये भी कि जो डायजोमीथेन एक्सेस में बच गया वो वाटर के साथ रिएक्ट करके CH3OH, ना डायजोमीथेन रहेगा ना ही आगे रिएक्शन होगा। और दूसरा काम तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तभी एसिड आएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि सर ये एक्सेस में तो आप ये एसिड में एक कार्बन बढ़ा दिए, तो जब एक्सेस में तो इसमें एक और कार्बन बढ़ाओ, कब तक बढ़ाएंगे? अगर हम ये चीज शुरू में लिए रहते तो जरूर आप एक कार्बन बढ़ा के लिख देते। समझ में आ रहा कहां कंफ्यूजन होता? एक्सेस में है तो आप एक ही क्यों बढ़ाए, यहां पे तीन बढ़ा दो, दो बढ़ा दो। लेकिन पहला एसिड पाने के लिए ही हम लोग को क्या डालना पड़ता है? और वाटर डालते ही सारा डायजोमीथेन खत्म। ध्यान रखना, हमेशा एक कार्बन से ही हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर? कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले में आंसर CH3CH2COOH, दूसरे में आंसर PHCH2COOH। कार्बन 14 कहाँ? बीच में कि इधर? तो ध्यान दो, जो कार्बोनिल पहले था वही कार्बोनिल लास्ट आता है। अगर मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया जाए, ये सी डबल बॉन्डेड ओ, मतलब ये वाला अभी भी यही है, फाइनली भी यहां पर वही है, यहां पर भी कार्बोनिल वही, सिमिलरली यहां पर भी कार्बोनिल वही, और यहां पर भी कार्बोनिल वही है कि नहीं? इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया क्योंकि पिछला बार एक एग्जांपल दिया था जिसमें कार्बन 14 शिफ्ट मार दिया था, है ना? लेकिन यहां पर जो कार्बन 14 है वही कार्बन 14 यहां पर भी है, सेम COOH वाला। अगले में दोनों जगह एक एक कार्बन बढ़ाएं कि एक ही जगह एक कार्बन बढ़ाए? यही गड़बड़ हो जाता है क्योंकि पहले हम वही बात बताते हैं कि एक ही कार्बन बढ़ाना। अरे जब एक COOH रहेगा तो एक कार्बन बढ़ाएंगे। अब तुम खुद सोचो, खुद सोच के देखो, SOCl2 आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ क्या दुश्मनी है? दोनों को COCl, डायजोमीथेन एक्सेस में है, डायजोमीथेन यहां भी रिएक्ट करेगा, डायजोमीथेन यहां भी रिएक्ट करेगा। अरे सब कुछ चलेगा जब तक कि हम वाटर न डालें। तो मॉलिक्यूल में जितने COOH होंगे सबका एक एक CH2 बढ़ा देना, एक के बाद दो नहीं बढ़ाना है, वो चीज हम वहां पे बताए थे। यहां भी एक बढ़ जाएगा, यहां भी एक बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली COOH, यहां पर भी COOH, CH2 बढ़ा है। क्लियर? शांत रहो, शांत रहो, मार दो, मिटा दो, शांत रहो। में आगे लिखिए, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन,
तो नाइट्रिन में उतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है सिलेबस में उतनी बात हम लोग करेंगे। लेकिन कार्बिन और नाइट्रिन में बहुत सिमिलैरिटी है, याद रखना। 6 इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल कार्बन को हम लोग कार्बिन कहते थे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रिन कहते हैं। नाइट्रिन बेसिकली HN, एक तो लोन पेयर उसके पास पहले से ही था और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के निकलने के कारण आया है। ऐसे स्पीशीज को नाइट्रिन बोला जाएगा। नाइट्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आइदर इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी RN। 6 इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल नाइट्रोजन नाइट्रिन कहलाता है। क्लियर? नाइट्रिन के 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट ऑन ट्रीटेड विथ HNU या हीट। अल्काइल आइसोसाइनेट ऑन ट्रीटमेंट विथ HNU और हीट, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म, ध्यान रखना। RNCO थोड़ा बहुत किटीन जैसा देखने में लगेगा। तो किटीन में क्या था कि कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाता था, इस केस में नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अल्काइल आइसोसाइनेट लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, इट विल बिकम RN पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्डेड C, ट्रिपल बॉन्डेड O पे पॉजिटिव। कार्बन मोनोक्साइड वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जैसे ही हीट किए, ध्यान देना ये पेयर तो अभी अभी आया है इसके पास और लोन पेयर तो पहले से ही था ना, है कि नहीं? जैसे ही हीट किए कार्बन मोनोक्साइड गैस लीव्स एंड वी विल गेट RN डॉट डॉट दैट इज नाइट्रीन। आर के बदले एच भी हो सकता है, अगर एच होता तो यहां लिखते हैं HN डॉट डॉट। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड दैट इज HN3 हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड N3-1 और H+ देता है। N3-1 का नाम क्या है? अजाइड आयन, हाइड्राजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होता है HN डबल बॉन्डेड N पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड N नेगेटिव। हाइड्राजोइक एसिड इज बेसिकली लीनियर इन शेप, लीनियर इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर SP है। इसमें भी नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया, अल्टीमेटली HN पे नेगेटिव N पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्डेड N ये फॉर्म में आता है। और जैसे ही हम लोग हाइड्राजोइक एसिड को HNU या हीट प्रोवाइड किए, एनर्जी प्रोवाइड किए, अब यहां पर बेटर बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? नाइट्रोजन। यहां से नाइट्रोजन गैस निकला, नाइट्रोजन गैस निकला क्या जनरेट हो गया? HN डॉट 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 नाइट्रीन। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ब्रोम अमाइड, RC डबल बॉन्डेड O NH2 को क्या कहते हैं? अमाइड। अमाइड का एक H हटा के ब्रोमिन लगा दो, ये कहलाएगा ब्रोम अमाइड। एक H हटा दो और ब्रोमिन जोड़ दो तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग कहते हैं ब्रोम अमाइड। इस ब्रोम अमाइड को किसी भी बेस के साथ ले लिया जाए, जैसे मान लो बोले OH- एनी बेस, बेस यहां से हटाता है एसिडिक H, इसलिए ये एसिडिक है। एक तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। एसिडिक H हटाया, बन गया RC डबल बॉन्डेड O N पे माइनस बॉन्डेड टू Br, एटम पे नेगेटिव चार्ज और एटम पे लिविंग ग्रुप। इंटरनल रिपल्शन से ब्रोमाइड आयन निकल गया बाहर, RC डबल बॉन्डेड O N डॉट डॉट बना नाइट्रीन। जिस तरह कार्बीन अगर कार्बोनिल के बगल में बन जाए, उसी तरीके से अगर नाइट्रीन अगर कार्बोनिल के बगल में बन रहा है तो हो जाएगा नाइट्रीन रीअरेंजमेंट, इसे कहेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट।
वुल फ्री अरेंजमेंट के बाद ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O अल्काइल आइसोसाइनेट। आप चाहो तो इस अल्काइल आइसोसाइनेट को HNU या हीट कर दो तो ये दे देगा RN डॉट डॉट। ठीक है, जो हम लोग पहला पढ़े थे। लेकिन मेरा ये प्रोसेस दिखाने का ये मतलब था कि जैसे कार्बिन में रीअरेंजमेंट होता है वैसे ही नाइट्रीन में भी रीअरेंजमेंट होता है। द सेम वुल्फ रीअरेंजमेंट हैपेंस इन नाइट्रीन, अगर नाइट्रीन कार्बोनिल के बगल में जनरेट हो गया तो। क्लियर? लेकिन एक बात याद रखना, नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत अनस्टेबल होगा, बहुत अनस्टेबल होगा। ये स्टेबल है क्योंकि सारे एटम के 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है सारे एटम के 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और नाइट्रीन के ऐसे स्पीशीज, कार्बोनिल के बगल वाले स्पीशीज कभी भी रिएक्शन में जनरेट या आइसोलेट नहीं किए जाते। एक साथ दिखाओ, नेगेटिव चार्ज का अटैक, अल्काइल का माइग्रेशन और ब्रोमीन का निकलना, सब एक साथ सीधे ये दे दो। ये बनाना नहीं है, ये अभी हम बताएं समझाने के लिए। समझ में आ रहा है? हाईली अनस्टेबल। अगर ये स्पीशीज हाईली स्टेबल है, शुरू में भी हाईली स्टेबल है, तो ये बनने का प्रोबेबिलिटी जीरो। और शायद यही कारण था जब कार्बोकैटायन पढ़ाए थे तो बताए थे कि कुछ रीअरेंजमेंट आरडीएस में ही हो जाता और कुछ रीअरेंजमेंट आरडीएस में नहीं होता है, उसके पीछे भी यही कारण है। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट पढ़ते थे आप लोग, इसमें कार्बोकैटायन बनाते थोड़ी थे, सीधे एक स्टेप में कंप्लीट कर देते थे आंसर। सेम चीज, नाइट्रीन यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज हॉफमैन्स ब्रॉम अमाइड रिएक्शन। जिस तरह का एल्डोल कैनिजारो के बात किए थे, एल्डोल कैनिजारो परकिंस रीमर टीमेन हेलोफॉर्न क्लेजेन, उसी इंपॉर्टेंस का ये रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। एक लाइन में ये रिएक्शन सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच टू अमाइड को जब हम लोग Br2/KOH एक्वस के साथ ट्रीट करते हैं, ये देता है RNH2 प्राइमरी अमीन। देखो कितना बढ़िया रिएक्शन है ये, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करने का तरीका। R C डबल बॉन्डेड ओ एन एच टू RNH2 देता है प्राइमरी अमीन। याद रखना ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री का अमाइड शो करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री का अमाइड शो। अगर एक एच हटा के इधर भी आर लगा देते तो सेकेंडरी हो जाता, दोनों एच हटा के 2 आर लगा देते टर्शरी होता, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं शो करता है, ओनली प्राइमरी अमाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीन। रिएजेंट देखकर लगेगा कि ये रिएजेंट हैलोफॉर्म में भी हम लोग देखे थे, हैलोजन विद अल्कली, अगर मिथाइल कीटो वाला होता तो हैलोफॉर्म करा देते, 1 डिग्री का अमाइड है, हर हाल में हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। एक लाइन में रिएक्शन समझ में आ रहा है? एक लाइन में क्लियर है? ठीक है, ये रिएक्शन हम पूरा पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही तोड़ तोड़ के हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ध्यान दो, मैकेनिज्म, ब्रोमीन बेसिकली रिएक्ट कर के साथ और ये देता है KBr+KOBr। ये इंपॉर्टेंट चीज है, Br2KOH में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज KOBr। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हॉफमैन्स ब्रोमाइड का रिएक्शन
मैं ये रिएजेंट नहीं देकर अगर ये रिएजेंट भी दिया तब भी हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन ही कराना है। के ओ बी आर ब्रेक कर जाता है के प्लस और बी आर ओ माइनस, बी आर ओ माइनस आता है हाइड्रोलिसिस, वीक आयन ऑलवेज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, बी आर ओ माइनस वाटर से लेके क्या बना लिया एच ओ बी आर और जनरेट क्या कर देगा OH माइनस, हेंस द सोल्यूशन रिमेन्स अल्कलाइन। इस इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखना है, यह रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। सबसे पहले आर सी डबल बॉन्डेड ओ NH2 पे इंट्रैक्ट करता है बी आर ओ माइनस, यहां से H प्लस हटाया एसिडिक एच, ये बन गया आर सी डबल बॉन्डेड ओ NH पे माइनस। क्लियर, ये N पे नेगेटिव बी आर बॉन्डेड टू ओ एच, बी आर ओ माइनस का यहां इस्तेमाल हुआ और बी आर ओ एच बन भी गया, यही है बी आर ओ एच, इक्विलिब्रियम पे है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन और ब्रोमीन में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह ब्रोमीन पे अटैक मारता है क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है और OH माइनस निकल जाए। अल्टीमेटली वी गेट आर सी डबल बॉन्डेड ओ एच बी आर। अब बताओ ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं, अमाइड का एक एच हटाकर बी आर लगा दिया जाए ब्रोमामाइड, इसीलिए इसका नाम पड़ा हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्लियर, फिर से बी आर ओ माइनस विल टेक आउट द एसिडिक एच, आर सी डबल बॉन्डेड ओ एन पे नेगेटिव बी आर, ब्रोमीन हटा के नाइट्रीन बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट्रीन हाईली अनस्टेबल, इधर एक्सप्लेन किए थे, सीधे नाइट्रीन रीअरेंजमेंट, नेगेटिव चार्ज इधर आया अल्काइल का माइग्रेशन ब्रोमीन बाहर, क्या मिला आर एन डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड ओ अल्काइल आइसोसाइनेट। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में नाइट्रीन आइसोलेट नहीं किया जाता, मैं नाइट्रीन नहीं बनता है। क्लियर है, क्लियर, मीडियम है अल्कलाइन और एक्वस, अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस, ये अब अल्काइल आइसोसाइनेट OH माइनस और वाटर के साथ इंट्रैक्ट करेगा, OH माइनस कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आर एन डबल बॉन्डेड सी ओ माइनस OH नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, आर एन पे नेगेटिव सी डबल बॉन्डेड ओ OH, ये पार्ट क्या है एसिड, N माइनस एसिड से ही H प्लस गेन कर लेता, बन गया आर एन एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस। नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, लिविंग ग्रुप लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आर एन एच माइनस जो कि वाटर से H प्लस गेन करके आर एन एच टू। शांत रहो। देखो हॉफमैन्स ब्रोमाइड मैकेनिज्म में देखिए, आप लोग खुद देखिए कि अमाइड के पास जो दो हाइड्रोजन थे, यही अमाइड था ना, इसके दोनों हाइड्रोजन एक एक करके निकल जाता है तभी तो ये बनता है। अभी इस नाइट्रोजन के पास कहां हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों हाइड्रोजन निकल गया, दोनों बार बेस ही निकाला हाइड्रोजन,
अब इस नाइट्रोजन को फिर से वापस दो हाइड्रोजन मिलता है तब वो बनता है RNH2। वो दोनों हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? इससे आ रहा है, OH माइनस और H2O से आ रहा है कि नहीं? वहां कुछ भी होता, अगर हम यहां पर OD माइनस D2O लिख देते, या आंसर क्या लिखते? RnD2। भले वहां पे दोनों डी होते या दोनों एच होते, कुछ भी, यहां जो इस्तेमाल होगा, यहां एच हो गया तो यहां पे एच, अगर डी हो गया तो वहां पर डी। ये बात क्लियर है? हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन दो और स्पीशीज शो करता है, एक तो 1 डिग्री का अमाइड हो गया, दूसरा देखो इमाइड्स। इमाइड्स आर R1C double bonded O, NH C double bonded O R2। ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड और इमाइड अलग अलग, क्लियर है? इसको 2 डिग्री का अमाइड मत मान लेना, या NH दो दो कार्बोनिल से सेपरेटेड है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इफ सच काइंड ऑफ स्पीशीज इज ट्रीटेड विथ Br2OH-, ठीक है, ये क्या दे देता? Br0-। सबसे पहले एसिडिक एच हटाया, एसिडिक एच हटाने के बाद R1C double bonded O, N पे नेगेटिव, C double bonded O R2। फिर ये Br2OH पे अटैक मारा, OH निकल गया, ये बन गया R1C double bonded O, N Br C double bonded O R2। यहां तो सब ठीक है। अब OH माइनस जो प्रेजेंट है मीडियम में, इक्विलिब्रियम पे OH माइनस भी है, एसिडिक एच तो खत्म हो चुका है ना, ये अब किसी एक कार्बोनिल पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या तो पहले लेफ्ट या तो राइट, ये डिसाइड कर लो। मान लो हम बोले प्लस आई ऑफ R1 इज लेस देन प्लस आई ऑफ R2, खुद बताओ कहां अटैक करना चाहिए, लेफ्ट की राइट? कहां अटैक करेगा अगर R2 का प्लस आई ज्यादा है? लेफ्ट, क्योंकि प्लस आई अगर यहां कम है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, प्लस आई अगर ज्यादा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है, ज्यादा प्लस आई है मतलब कि R बड़ा है, कम प्लस आई है तो ये R छोटा है। हिंड्रेंस से बोलो या इंडक्टिव से बोलो, OH माइनस इसके ऊपर कर देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन R1CO- OH N Br C double bonded O R2, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, इतना पार्ट निकला लिविंग ग्रुप पर, लिविंग ग्रुप बनकर निकला R1C double bonded O OH प्लस R2C double bonded O N पे नेगेटिव बॉन्डेड टू Br। ब्रोम अमाइड के ठीक बाद वाला सिचुएशन है, यहां NHBr था तो ब्रोम अमाइड था, एच प्लस निकला हुआ मिल रहा है, सीधे रीअरेंजमेंट, लिविंग ग्रुप हटा के नाइट्रिन मत बनाना, रीअरेंजमेंट, ये बन जाएगा R2N double bonded C double bonded O, और जिसका हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाएगा R2NH2। इस केस में भी हम लोग को मिला प्राइमरी अमीन। शॉर्टकट सीधे, एक सेकेंड, पहले डिसाइड करेंगे कौन सा कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव है, पता चला ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये अगर ज्यादा रिएक्टिव है ऐसे ब्रेक कर देना, ठीक है, इधर वाला पार्ट एसिड और इधर वाला पार्ट तुम्हारे लिए अमाइड बन गया। अब अमाइड के साथ क्या करते थे आप, पूरे को हटाकर NH2 जोड़ देते थे, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? पहले डिसाइड करो कौन ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल है, ये ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल है ऐसे इमेजिन किए, ये पार्ट एसिड और ये पार्ट बन गया आपके लिए अमाइड। अमाइड का कैसे होता है ऑक्सीजन ब्रोमाइड, अमाइड वाला पार्ट हटाओ और NH2 जोड़ दो, क्लियर है? अगला कैटेगरी है वाईमाइड्स, N
कर लेना कॉपी, देख लो एक बार। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है वाइमाइट्स। पहले नाइट्रोजन से दो दो कार्बोनिल थे जुड़े हुए, अब नाइट्रोजन से तीन तीन कार्बोनिल जुड़ा हुआ। बहुत सिंपल मैकेनिज्म, फिर से वही चीज। मान लो Br2 OH-, इसको हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा आपको। क्या इसके पास कोई एसिडिक एच है? नो सर। मैंने अब सीधे कार्बोनिल पे अटैक करने वाला है, डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। पता चला ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव अटैक हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड वापस आएगा, इतना पार्ट बाहर। तो जो पार्ट बाहर आया है RC double bonded O, N पे नेगेटिव, C double bonded O, R2 है ना। अब N पे, अब ये जो पार्ट बन गया वो ये बन चुका है, यहां से शुरू है मैकेनिज्म। अब क्लियर है ना। सीधे Br bonded to OH, R3 C double bonded O, NBr C double bonded O, R2 फिर OH-, किसी एक कार्बोनिल पर अटैक करेगा अगेन, किसका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी? पता चला चलो R3 का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, नेगेटिव चार्ज वापस, फिर वापस आएगा तो इतना पार्ट निकल गया। अल्टीमेटली कौन सा हमें मिलेगा? अमीन R2। समझ में आया क्या किए? इसमें भी शॉर्टकट, डिसाइड कर लो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कौन है। ज्यादा रिएक्टिव था उनसे तो एसिड मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था तो R1C OH बाहर एसिड हो गया। अब इन दोनों में जो ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड बन जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव, पता चला लीस्ट रिएक्टिव कौन था? ये वाला कार्बोनिल लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो लीस्ट रिएक्टिव है उसी को अमाइड मानना। इतना पार्ट क्या है? अमाइड, CON हटाकर सीधे NH2। वहां भी लीस्ट रिएक्टिव जो होगा वही अमीन देगा। कॉपी करो जल्दी। Thank you.
पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं? मेजर नहीं पूछ रहे, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। देखो एक चीज हम रिकॉल कर दें, आर सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच टू को जब हम लोग ट्रीट किए थे बी आर टू के ओ एच के साथ, सबसे पहले आर एन एच माइनस निकला था, और अगर ये नेगेटिव चार्ज कुछ ना कर पाए तो ये वाटर से एच प्लस गेन करके एन एच टू बना था। अगर ये नेगेटिव चार्ज कुछ कर सकता है तो वो करेगा ही, इंटरनल अटैक, रेजोनेंस है कि नहीं। चलो कंप्लीट करो, पहला बताइए क्या लिखे यहां पर, ईटी और ये 15 नाइट्रोजन 15 जो है वो नाइट्रोजन 15 ही रहेगा अमीन, ठीक है। यहां पर भी ये पार्ट हटाकर इसी नाइट्रोजन से अमीन बनाएंगे। ये दोनों देने का ये मतलब है कि जो हम लोग माइग्रेशन करते हैं ना वो हमेशा इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। ऐसा नहीं कि ये मिथाइल फ्री हो गया, फ्री होने के बाद नाइट्रोजन पे आया माइग्रेट करके, ऐसा नहीं है। एक साथ निगेटिव चार्ज का आना, मिथाइल का माइग्रेट करना, कहने का मतलब ये मिथाइल कभी भी नाइट्रोजन 15 के पास नहीं जाएगा और ये इथाइल नाइट्रोजन 14 के पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि द माइग्रेशन इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता तो मेरे पास दो और प्रोडक्ट मिलते, मिथाइल 15 के साथ लगा हुआ, इथाइल 14 के साथ लगा हुआ, लेकिन द माइग्रेशन होल प्री अरेंजमेंट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। देयरफॉर वी विल गेट MeNH2 प्लस ETNH2 15। अगला KOBr, ये भी Br2 KOH है, PhNH2। अगले में समझ में आ रहा है ना, N तो आएगा इसके पास लेकिन ये दोनों D इसके पास नहीं रहेगा, दोनों H निकलता है और बाद में जो दो H आता है वो सॉल्वेंट से आता है। OH अगर है तो KOH बाई डिफॉल्ट वाटर में होगा, OH माइनस ऑलवेज विथ H2O, OD माइनस ऑलवेज विथ D2O। बताए थे यहां बनेगा PH NH2। अब बताओ यहां पर KOD तो बाई डिफॉल्ट D2O होगा, यहां मिलेगा PH ND2। अगला छोटा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूरिया, यूरिया को जब हम लोग Br2KOH के साथ ट्रीट करते हैं बिल्कुल हॉफमैन्स ब्रोमाइड, ये बन जाता है हाइड्राजीन। एक NH2 को R मान लो तो NH2 बॉन्डेड टू NH2 हाइड्राजीन। अगले में थोड़ा अलर्ट रहना है, नो डाउट इतना पार्ट हटता है लेकिन ये नाइट्रोजन आगे इस कार्बन के साथ जुड़ता भी तो है। एमई सी एमई बी आर एन एच टू लिखने के पहले एन एच माइनस था, ये एन एच टू लिखने के पहले एन एच माइनस था। अगर ये नेगेटिव चार्ज कुछ न कर सकता तो हम सीधे लिख देते एन एच टू, एटम पे नेगेटिव चार्ज, बगल के एटम पे लिविंग ग्रुप, ये बन गया एमई सी एमई डबल बॉन्डेड एनएच। और ध्यान रखना अगर ओएच माइनस वाटर एक्सेस में दिया है तो इमीन का हाइड्रोलिसिस भी करा देंगे। इमीन और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हम क्लास में पढ़ाए थे ग्रिगनार्ड में, इमीन का हाइड्रोलिसिस में क्या शॉर्टकट बताए थे, मैकेनिज्म भले ही लंबा चौड़ा था, बॉन्ड तोड़ो डबल बॉन्डेड ओ बनाओ, डबल बॉन्डेड ओ बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एमई सी डबल बॉन्डेड ओ एमई कीटोन असीटोन। तो ये रिएक्शन में भले ही हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट लिए लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड का प्रोडक्ट ही नहीं मिला। अगला
पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीएचसी ट्रिपल बॉन्डेड सी, इतना हट के सबसे पहले क्या लगेगा, है ना, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ये एच प्लस ले ले वाटर से, पहला पॉसिबिलिटी है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर ये रेजोनेंस कर जाए तो ये बन जाएगा पीएच सी पे नेगेटिव, डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड एनएच, समझ में आ रहा है। वाटर से ले लिया तो ये बन गया, ये पार्ट इमीन है, इमीन है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या बन जाएगा, पीएच सीएच डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड हो, किटीन, किटीन का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, पीएच सीएच टू सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच, याद है आज ही का लेक्चर में पढ़े, पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, पॉसिबल प्रोडक्ट ये एसिड भी हो सकता है, समझ में आया क्या किए यहां। अगले में नेक्स्ट किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है ये, दोनों कार्बोनिल बिल्कुल बराबर रिएक्टिविटी के, तो हम एक पार्ट को अमाइड मान रहे हैं और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है एसिड। डायरेक्ट आंसर ध्यान देना, ऊपर बना दिए एसिड, और अगर ये मेरे लिए अमाइड है तो इतना हटा कर ही तो NH2 जोड़ते हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा NH2। फाइनल आंसर, समझ में आया सबको, कैसे किए समझ में आया। अब अगले सवाल में आप डिसाइड करो कि किसको अमाइड मानेंगे और किसको एसिड। रिएक्टिविटी ओएमई लग गया, ओएमई के हिसाब से ये पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, मेटा पे ये क्या शो कर रहा है माइनस आई, पैरा पे क्या शो कर रहा है प्लस एम, प्लस एम के कारण यहां का पॉजिटिव चार्ज हो गया कम, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ना, तो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज कम और माइनस आई माने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा माने ये ज्यादा रिएक्टिव, और जो ज्यादा रिएक्टिव वहीं पे एसिड, जो लीस्ट रिएक्टिव वहीं पे अमीन, समझ में आया। ऊपर एसिड बनाएंगे, इतने पार्ट को हटा दिया जाएगा, हटाने के बाद इसी कार्बन पे क्या जोड़ेंगे NH2। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर OME सी डबल ओ एच यहां पर NH2। शिफ्ट रिएक्शन, शिफ्ट रिएक्शन, सेकंड लास्ट यहां पर, इसमें तो दोनों रिएक्टिविटी बराबर है ना, तो तू किसी को भी अमाइड मान ले किसी को भी एसिड मान ले, हम ऊपर वाले को एसिड बनाएंगे यहां पे अमीन बनाएंगे, तुम चाहो तो ऊपर में अमीन बना लो नीचे एसिड बना लो, आंसर तो यही आएगा, लेकिन यहां पर आपको रिएक्टिविटी चेक करना है, यहां पे आपको रिएक्टिविटी चेक करना है, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव था ये कम रिएक्टिव था, जो ज्यादा रिएक्टिव शॉर्ट कर दे क्या लिखाए थे वहीं पे एसिड, इतने को हम अमाइड मानते हुए अमीन बना दिए,
है? मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म OH कहां से आया, NH2 कहां से आया, सब पढ़ाए हैं यार। इमाइड का मैकेनिज्म देख, इमाइड ही तो है ये, सी डबल बॉन्डेड ओ, NH सी डबल बॉन्डेड ओ, इमाइड्स, IMIDES, शिम्ट रिएक्शन, एक लाइन में R C डबल बॉन्डेड O O H, HN3 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट RNH2। थोड़े देर पहले हम लोग अमाइड से प्राइमरी अमीन बनाए, शिम्ट रिएक्शन में एसिड से प्राइमरी अमीन। क्लियर? मैकेनिज्म HN नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, यही है हाइड्राजोइक एसिड। क्लियर है? हाइड्राजोइक एसिड, ये N माइनस का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तुम पूछ सकते हो कि ये यहां से H प्लस क्यों नहीं निकाला? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लें तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का H प्लस इसे भी प्रोटोनेट करके रखे। समझ आ रहा है? गुड लिविंग ग्रुप OH2 पॉजिटिव। क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये बनेगा RC O माइनस N पे पॉजिटिव ट्रिपल, साथ में क्या है OH, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, OH माइनस निकला, OH माइनस निकलते निकलते H प्लस भी निकाला, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। OH माइनस और H प्लस वाटर के फॉर्म में H2SO4 अब्स्ट्रैक्ट किया, क्या मिल रहा है? RC डबल बॉन्डेड O, N पे नेगेटिव, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्डेड M, लिविंग ग्रुप, नाइट्रीन बनना चाहिए लेकिन नहीं बनता है, सीधे एक स्टेप में नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन गैस का निकलना, -2 ये बन गया RN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O, फाइनली हाइड्रोलिसिस विल गिव RNH2। एसिडिक मीडियम में वाटर तो है, हाइड्रोलिसिस तो बाय डिफॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस करेंगे प्राइमरी अमीन मिलेगा। ऑन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, R1C डबल बॉन्डेड OR2 व्हेन ट्रीटेड विथ HN3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, HN पे नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्डेड N विथ पॉजिटिव। सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर H2SO4 से H प्लस गेन करके हो जाता है प्रोटोनेटेड, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज कर देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, R1C R2 OH NH बॉन्डेड टू N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, माइनस ऑफ H2O, R1C R2 डबल बॉन्डेड N2 पॉजिटिव, ये भी बन सकता है और साथ में ये भी बन सकता है, सिन एंड एंटी आइसोमर्स
ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग हीट किए नाइट्रोजन गैस निकलने के लिए तैयार है। जैसे ही नाइट्रोजन गैस निकलेगा ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही बगल के कार्बन से एक ग्रुप का माइग्रेशन। ध्यान रहे, ओनली एंटी ग्रुप माइग्रेट्स। तो इसके हिसाब से आर वन एंटी है, अगर इसके साथ वो चीज होता तो आर टू एंटी होता। इस रिएक्शन में दोनों का माइग्रेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इस रिएक्शन में सिन और एंटी दोनों बनते हैं। इसमें आर वन माइग्रेट करेगा, इसमें आर टू माइग्रेट करेगा, बोथ माइग्रेटरी प्रोडक्ट्स आर ऑब्जर्व। माइग्रेट कर गया तो क्या मिला, ध्यान देना, आर टू सी पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव डबल बॉन्डेड एन बॉन्डेड टू आर वन। कार्बोकैटायन को सपोर्ट कौन कर रहा है, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। क्लियर, मीडियम में वाटर है, वाटर का ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा कार्बोकैटायन के साथ, ये बन जाएगा आर ओ एच टू पॉजिटिव डबल बॉन्डेड एन बॉन्डेड टू आर वन। एच प्लस निकाल दिए यहां से, ये बना इनोल, इनोल बनने के बाद ये कर जाएगा टॉटमराइज, एच आया इस तरफ, पाई बॉन्ड इस तरफ, अल्टीमेटली आर टू सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच आर वन। सिमिलरली वी वुड हैव गॉट, सिमिलरली हम लोग को मिल सकता था आर वन सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच आर टू। देखो ऐसा रिएक्शन हम लोग डायजोमिथेन में भी पढ़े थे, डायजोमिथेन का रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड पे, वहां माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखते थे, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा तो कार्बोनिल और ग्रुप के बीच में सीएच टू इंसर्ट कर दो। यहां पर शॉर्टकट बहुत ही आसान है, एक प्रोडक्ट में यहां एनएच को इंसर्ट कर दे और एक प्रोडक्ट में यहां एनएच को इंसर्ट कर दे। समझ में आ रहा है, एक बार बनेगा आर वन सीओ एनएच आर टू और एक बार बनेगा आर टू सीओ एनएच आर वन। इसके ऊपर सवाल हम लोग अगली क्लास